भाइयों और बहनों, एक बड़ा विशेष अवसर आ रहा है जब हमारे समाज सेवी बड़े कर्तव्यनिष्ठ और 98 इयर्स पूरा कर चुके और अभी भी बिल्कुल जवान की तरह से हैं, ऐसे संयमी सदाचारी लोक सेवी श्री जेपी वासवानी जी का 98th बर्थडे हम लोग मना रहे हैं। गायत्री परिवार भी साथ में है उनके। उनका जन्मदिन 2 अगस्त को है, परंतु 31 जुलाई को वो लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे 6 से 8 शाम को। और ये बॉम्बे में, पुणे में इनका फंक्शन होगा और इसके अलावा इनके जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ होगा। पर हमारे गायत्री परिवार के परिजन जहाँ भी हों, दिया के परिजन जहाँ भी हों, हमारे जितने भी युवा मंडल हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रज्ञा मंडल हैं, महिला मंडल हैं, इन सभी से एक अनुरोध है, 2 अगस्त को उनका जब जन्मदिन है, दिन में 2 बजे आप 2 मिनट के लिए, 2 से 4 मिनट के लिए शांत हो जाएं और शांत होकर के आप प्रार्थना करें कि चारों तरफ जितने भी संव्याप्त है, भगवान ने कहा है कृष्ण में अष्टधा प्रकृति, ये 5 प्रकृति ये और 3 प्रकृति हमारे मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 मिलके अष्टधा प्रकृति बनती है। ये उनकी अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति भगवान स्वयं है, चेतना स्वयं है। तो ये अपरा और परा दोनों में शांति का साम्राज्य हो, जैसे हम गीत हम शांति पाठ हिंदी में करते हैं, शांति कीजिए शांति कीजिए शांति कीजिए, आप भी मन ही मन बोलिएगा शांति कीजिए 2 मिनट, 2 से 4 मिनट तक, और सबको क्षमा करने का भाव, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे सास, हमारे ससुर, जिनसे भी हमारी कभी लड़ाई हुई हो या कभी आगे होने की संभावना हो, हम क्षमा करते हैं, सबको क्षमा करते हैं। क्षमा करने में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है, क्षमा करने से हमको मिलता है, बदले में हम पाते हैं। आप सबको खूब खूब मंगल कामनाएं।